गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द ज्योग्राफी पेज चैप्टर नंबर 3 विच इज वाटर बॉडीज पेज नंबर 26। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया इंडिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द कंट्री। इंडियन ओशन का नाम कब हुआ है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया का जब ठीक हुआ तब उसका हेड ऑफ द ओशन है इंडियन ओशन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इज सराउंडेड बाई अफ्रीका। ये जो इंडियन ओशन का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये अफ्रीका से सराउंडेड है, और नॉर्थ पे है एशिया और वेस्ट पे है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है ईस्ट पे। द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन टुगेदर फ्रॉम द साउदर्न ओशन टू द सराउंड्स द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका नियर द साउथ पोल। ये पैसिफिक अटलांटिक और इंडियन ओशन का एक साथ जो साउदर्न पोर्शन है, ये साउदर्न ओशन जो है ये किससे सराउंडेड है? फ्रोजन कॉन्टिनेंट। फ्रोजन कॉन्टिनेंट मीन्स अंटार्कटिका जो साउथ पोल में सिचुएटेड है। द आर्कटिक ओशन इज द नॉर्थ पोलर रीजियन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ओशन। ये जो आर्कटिक ओशन है ये सबसे छोटा ओशन है नॉर्थ पोल में। इट इज मोस्टली सराउंडेड बाई लैंड मासेस। ये ज्यादातर के लैंड से सराउंडेड है। द वाटर रिमेन्स फ्रोजन नियरली थ्रू आउट द ईयर। बट वाटर जो है इसका फ्रोजन रहता है, लिक्विड नहीं होता है, पानी फ्लो नहीं करता है थ्रू आउट द ईयर। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द आइस ऑफ द अटलांटिक सी इज मेल्टिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो आर्कटिक ओशन का जो आइस है ये मेल्टिंग हो जाता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। डेज आर नॉट फार व्हेन द आर्कटिक ओशन रूट विल कट शॉर्ट टाइम्स बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो ये जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में शॉर्ट ट्रैवल रूट जो है ये बहुत दूर का बात है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। द वास्ट ओशन एंड सीज हेल्प मेंटेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विच ब्रिंग्स अस रेन। ये ओशंस का और सीज का जो वास्ट ओशंस और सीज का सीज क्या हेल्प करता है? मेंटेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो इवापोरेट होता है, फिर रेन होता है, फिर क्लाउड होता है, ये जो रिसाइकिल और साइकिल जो होता है, ये रेन जो उसके बाद जो रेन होता है इवापोरेट होने के बाद क्लाउड से, वो मेंटेन करता है ये ओशंस और सीज। ओशन करेंट्स प्ले और मेजर रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑन द अर्थ। ये ओशन क्या करता है? अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको शेपिंग में बहुत हेल्प करता है। वार्म ओशन करेंट्स कीप कूल कोस्टल एरियाज। इस ओशन का जो वार्म करेंट्स है ये कोस्टल एरिया में बहुत कूल रहता है। और आइस फ्री ऑल्सो ब्रिंग द मॉइस्ट विंड्स द सेड रेन। और आइस भी नहीं रहता है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। कोल्ड ओशन करेंट्स ऑन द अदर हैंड मेक ए प्लेस कूलर एंड ड्रायर। और जो कोल्ड ओशन होता है उसका जो करेंट्स होता है वो उसका जो कोस्टल एरिया है उसका जो क्लाइमेट है बहुत ड्राई कर देता है और कूल भी कर देता, ठंडा भी कर देता है। मीटिंग ऑफ द कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंटली ब्रिंग्स रिच फिश फूड कॉल्ड प्लैंकटन। ये जो कोल्ड और वार्म ओशन का जो जब जहां पर मीट होता है वहां पे जो करंट होता है वहां पे बहुत ही अच्छा अच्छा फिश मिलता है जिसको कहते हैं प्लैंकटन। हेंस दीज एरियाज डेवलप द आइडियल फिशिंग ग्राउंड्स। यहां पे फिशिंग ग्राउंड्स बहुत आइडियल होता है, एग्जांपल ग्रैंड बैंक्स ऑफ द कोस्ट एटसेट्रा। ओशंस हैव वास्ट रिजर्वर्स टू मिनरल्स सच एज पेट्रोलियम, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन एटसेट्रा। ये ओशन में बहुत ही मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये सब जो मिनरल्स है ये बहुत ही रिजर्व रहता है, इसके लिए यहाँ पे और सॉल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है ओशन के नीचे। ओशन लिंक डिस्टेंस लैंड मासेस थ्रू द सी रूट्स। ये ओशन क्या है? लैंड मासेस डिस्टेंस और लैंड मासेस में एक डिस्टेंस लिंक करता है जहां से सी रूट्स होता है, जहां पे ट्रेड होता है वाटर बॉडी में। ओशन आर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन का जो सोर्स होता है वो रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है उससे जो थर्मल एनर्जी होता है वो करंट से वो बनता है। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा सस्ता जो मिलता है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है एनवायरमेंट का, इसीलिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा चीप होता है। सी, बे, गल्फ एंड स्ट्रेट। सीज आर सिमिलर टू द ओशन। सी सिमिलर से ओशन से सिमिलर होता है बट द स्मॉलर इन साइज, बट ओशन से साइज में ज्यादा थोड़ा सा छोटा होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल सीज एट दीज द लार्जर वाटर बॉडीज। इसीलिए इसको मार्जिनल सीज कहता है लार्ज वाटर बॉडीज से अलोंग द कॉन्टिनेंट एज ऑफ मार्जिन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मार्जिनल सीज, बियरिंग सी, कैरिबियन सी, ये सब, क्योंकि ये छोटा होता है और मार्जिनल भी होता है।
सम लेक्स आर टू बिग फॉर देयर साइज, कुछ कुछ लेक्स होता है उसका साइज से बहुत ही बिग होता है, जैसे इनलैंड सीज, कैस्पियन सी, ये बहुत बड़ा होता है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक एट द वर्ल्ड। ये कैस्पियन सी क्या होता है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। इट वॉज बिटवीन यूरोप एंड एशिया, एशिया और यूरोप के बीच में ये सिचुएटेड है। सो अप टू दिस, थैंक यू।